हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों टाटा मोटर के बारे में। ये हो सकता है कि दोस्तों डूब जाए, या अगर बनेगा तो दोस्तों मल्टी बैगर भी बन जाएगा। जैसे कि दोस्तों लास्ट टाइम यहाँ पर देख सकते हो, मैं ये आपको 2008 का डेटा दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये स्टॉक का जो प्राइस है 40 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड किया करता था, और फिर से दोस्तों ये स्टॉक ने जो है कहाँ तक हाइएस्ट मार दिया था दोस्तों, 600 या 700 तक, 600 तक ये दोस्तों हाइएस्ट मारा था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, बताया जा रहा 16 रुपीज़, ये दोस्तों 600 रुपीज़ तक हाइएस्ट चला गया था। तब दोस्तों 40 रुपीज़ का स्टॉक अगर आपको 600 तक चला गया तो आपको सोचिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिला था। लेकिन अब वापस ये दोस्तों फिर से वही रेंज में आ चुका है दोस्तों, जो रेंज में ये था। यहाँ पर देख सकते हो 2008 में दोस्तों ये कौन से प्राइस पे था, 40 रुपीज़ का प्राइस पे था, और आज के डेट में दोस्तों ये केवल थोड़ा सा से बचा हुआ अगर हम देखें तो सेम प्राइस में वो 2020 में भी मिल रहा है। तो क्या हमें इसको दबाकर खरीदना चाहिए जिससे हमें आने वाले दिनों में प्रॉफिट हो जम के, या दोस्तों थोड़ा सा वेट करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों आज हम टाटा मोटर के बारे में पूरा हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, और दोस्तों और क्यों इसका प्राइस जो है गिर चुका है, और हमें अगर खरीदना है तो हमें किस प्राइस पे, इस प्राइस पे, इस प्राइस पे, या इस प्राइस पे, कौन से प्राइस पे हमें खरीदना चाहिए वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। हाल में मतलब कि कुछ दिन पहले इसने हाईएस्ट प्राइस मारा था दोस्तों, एक हाईएस्ट प्राइस मारा था 239, मतलब कि दोस्तों 240 रुपीज़ के आसपास गया था, और ये आज के डेट में फिर आपको जो है 40 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आज के डेट में बताता हूँ दोस्तों क्या हुआ ऐसा जो ये 600 रुपीज़ का स्टॉक आज के डेट में आपको 40 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों 1945 में, कब दोस्तों 1945 में ये कंपनी बहुत छोटी थी। ठीक है दोस्तों, 1945 में ये कंपनी जो काम करती थी वो दोस्तों रेलवे के छोटा छोटा पार्ट्स बनाते थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1954 में इसने कमर्शियल व्हीकल में एंट्री लिया दोस्तों, कमर्शियल व्हीकल में, और मैं बोल रहा हूं वहां पर इसको बहुत बड़ी सफलता मिली, बहुत ज्यादा सक्सेस मिला दोस्तों 1954 में। ठीक है, वहां पर इसको बहुत बड़ा सफलता मिला। उसके बाद क्या हुआ, 54 में जब इन्होंने कमर्शियल व्हीकल में अपना पांव रखा तो वहां पर इनको जम के सक्सेस तो मिला, लेकिन उसके 40 साल बाद, ठीक 40 साल बाद दोस्तों 1919 में इसने दोस्तों सोचा कि अब पैसेंजर व्हीकल में आया जाए दोस्तों। ठीक है, और वहां पर भी इनको पैसेंजर व्हीकल में भी बहुत बड़ा सक्सेस मिला दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल में। उसके बाद दोस्तों शेयर का प्राइस जैसे कि रॉकेट बनना स्टार्ट कर दिया हो, शेयर का प्राइस मतलब रॉकेट बनना स्टार्ट कर दिया हो, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दिया दोस्तों। उनको वहां से बहुत बड़ा प्रॉफिट आने वाला था, लेकिन एक गलती के कारण दोस्तों टाटा मोटर थोड़ा बर्बाद हुआ। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बर्बाद हुआ। अब क्या होता था दोस्तों, इन्होंने पूरा इंडिया को कैप्चर कर लिया था। तो दोस्तों पूरा इंडिया को कैप्चर करने के बाद, ठीक है, पूरा इंडिया में अपना बिजनेस फैलाने के बाद इन्होंने देखा कि यहाँ से प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो ज़्यादा नहीं आ पा रहा, क्योंकि आपको पता होगा इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग गरीब ही रहते हैं। ठीक है, इसीलिए, ठीक है, तो अब इन्होंने प्लान बनाया कि दोस्तों अगर इंडिया का इकोनॉमिक अगर ख़राब हो जाता है तो हम तो डूब जाएंगे, तो अब इंडिया को छोड़ देते हैं, इंडिया को तो हमने कवर कर दिया, अब दोस्तों विदेश मतलब कि इंडिया के बाहर हम जाते हैं। अब इंडिया के बाहर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इनका मार्केट था वो था दोस्तों US था और यूरोप था। ठीक है, यूएस एंड यूरोप में दोस्तों इन्होंने बाजी लगाई, बहुत बड़ी बाजी मारी वहां पर यूएस। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने यूएस को टारगेट किया, यूएस और दोस्तों यूरोप। ठीक है, आपको सही से दिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो पहले आप समझ लो। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने सोचा अगर कल को इंडिया का मान लेते हैं कि अगर इकोनॉमिक ख़राब हो जाता है तो फिर अगर हम कहाँ से आएगा हमारा पैसा, तो इन्होंने दोस्तों दो बड़े बड़े देश को जो है टारगेट किया और बहुत पैसे थे यहाँ पर। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने 16,000 करोड़ रुपया खर्च किया जब इनको मौका मिला, तो दोस्तों 16,000 करोड़ रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया। अगर वो चाहते तो अशोक लेवलैंड को पूरा कंपनी को खरीद सकते थे दोस्तों, अशोक लेवलैंड को पूरा वो कैश में खरीद सकते थे। ठीक है, कैश में, लेकिन दोनों उन्होंने नहीं खरीदा क्योंकि दोस्तों ये इंडिया के बेस्ड में था। ठीक है, उन्होंने इंडिया पे इसलिए ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि दोस्तों वो इंडिया में ज्यादा ज्यादा उनको प्रॉफिट नहीं मिल पाता, तो दोस्तों उन्होंने ऐसे देश पर फोकस किया। अब क्या हुआ दोस्तों, ऐसे देश में इन्होंने जैगवार एंड लैंड ओवर जैसे कंपनी के दो कार, ठीक है, एक जैगवार एंड लैंड ओवर जैसे दो कार को दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया, और वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के कार थे, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के दोस्तों वो प्रीमियम क्वालिटी के कार, ठीक है, जैगवार और दोस्तों लैंड ओवर जैसे कार को यहाँ पर वहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, और दोस्तों आपको बिलीव नहीं होगा 75% प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ से आता था, देश के बाहर से, अपने देश के बाहर से, और अपने देश से कितना आता था दोस्तों, केवल 25% ही आता था। ठीक है, 75% बाहर से आता था, वो भी दोस्तों ऐसे प्रीमियम क्वालिटी जैसे कार से। ठीक है, अब हुआ क्या,
प्रॉब्लम यहाँ पर एक क्रिएट हो गया कि जो बाहर गवर्नमेंट थी दोस्तों, बाहर देश के जो गवर्नमेंट थे उनको ये देखा नहीं गया। उनके पास उसके बाद दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और एक जो है वहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति आए और वहाँ से इनको जो है हटाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया गया। और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों ये चलती है डीजल पर चलती है दोस्तों, वहाँ पर उनको टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो मतलब दोस्तों हटा दिया गया, काम खत्म हो गया। अब क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 75% प्रॉफिट आता था इंडिया के बाहर से, अब वो आना बंद होने लगा, धीरे धीरे आना बंद होने लगा। तो क्या हुआ, शेयर का प्राइस धीरे 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 डाउन जाना स्टार्ट हो गया दोस्तों। 40 रुपीज़ का स्टॉक 600 रुपीज़ बन गया था, वो भी कुछ सालों में, और आज के डेट में वो फिर वापस आना स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों वो सबसे पहला था, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिससे इसके शेयर्स में गिरावट आया। इतना कम ही नहीं था दोस्तों, उसके बाद चाइना में एक बहुत बड़ी खबर आ गई कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस की वजह से दोस्तों वहाँ की भी इकनॉमिक ख़राब हो गई और इधर की भी इकनॉमिक में बहुत ज़्यादा जो है गिरावट देखने को मिला। उसके वजह से दोस्तों आज के डेट में इसका जो प्राइस है टाटा मोटर का, वो आपको 60 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है। अभी ये जो 60 रुपीज़ आपको दिख रहा है 66 से, और गिरेगा भाई, मैं आपको और भी बोल दे रहा हूँ, टाटा मोटर का प्राइस और गिरेगा गिरेगा गिरेगा। मत खरीदो मत खरीदो, फंस जाओगे, ठीक है, फंस जाओगे। मेरा कहने का मतलब है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, बनेगा तो मल्टीबैगर बन जाएगा, नहीं तो अभी आपको फंसा देगा, लेकिन अभी आपको फंसा के ही रखेगा। अगर अभी कोई खरीदना चाहता है तो मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा दोस्तों, इसके जितने भी रास्ते थे, मान लो कि ये इंडिया है भाई, ठीक है, छोटा सा मान लेते हैं, ठीक है, इंडिया, इंडिया के बाद जो ये छोटे इधर जो बाहर के देश दोस्तों, जितने भी इनको प्रीमियम कार चलती थी यहाँ बंद कर दिया गया। चाइना एक बड़ा सोर्स था दोस्तों इंडिया जितना था, यहाँ पर भी बंद कर दिया गया और इंडिया खुद भी बंद हो चुका है। मतलब इसके जितने भी गेट थे सभी बंद कर दिए गए हैं। अब टाटा मोटर्स के पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी और इस प्राइस पे खरीदना खतरनाक है और बहुत ज़्यादा डेंजर है, वो भी इस टाइम में जहाँ पर इंडिया की जीडीपी का गिरावट हो रहा है, इकोनॉमिक का गिरावट हो रहा है दोस्तों, बजट सब कुछ गिर रहा है दोस्तों, और मतलब जितने भी बिजनेस है सबको नुकसान हो रहा है। तो टाटा मोटर में ये नहीं बोलूँगा कि डूब जाएगा, डूब नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, लेकिन इतना मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, इसके शेयर्स में अभी और भी आपको गिरावट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अशोक लेवलैंड जैसे स्टॉक आपको कितने मिल रहा है, केवल 25 या 30 रुपीज़ में, आपको केवल सॉरी 25 या 30 रुपीज़ के आसपास मिल रहा है, ठीक है, ये भी आपको 20 रुपीज़ में मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, अशोक लेवलैंड, ठीक है। और ये जो दोस्तों टाटा मोटर है, इसका भी अभी और प्राइस गिर सकता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी आपको इस प्राइस पर खरीदना है, मैं ये बोल रहा हूँ अभी भी बेचना है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ऐसे स्टॉक आपको हो सकता है कि मल्टी बैगर बना के दें, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि आज के डेट में भी अगर देखो 14% की गिरावट है। अगर ऐसे स्टॉक गिरेगा तो खत्म होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो अभी ये भी न्यूज़ आ रहा है कि शेयर मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है दोस्तों ये 35 या 40 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो खरीदना है, छोड़ना नहीं है। क्या 35 या 40 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो क्या करना है भाई, छोड़ना नहीं है, ठीक है, समझ गया ना। तो इस प्राइस में आपको ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलेगा और ये कंजर्वेटिव भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक पे आपको फोकस करना है। और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, इस टाइम अगर आपने खरीद लिया और मार्केट सही हो गया, कोरोना का भय चला जाएगा, तो आपको बहुत बड़ा पैसा कमा के देगा शेयर मार्केट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट कीजिए। और एक चीज़ और मैं बोलता हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये इसलिए ताकि जो न्यूज़ आ रहा है वो अप टू डेट रहे, जो भी न्यूज़ आ रहा है आप तक पहुंचते रहे, और आप भी कॉन्शियस रहिए, सब कॉन्शियस रहिए, ताकि आपको जितने भी न्यूज़ है टाइम टू टाइम जाए और आप जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया दोस्तों वो अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, लाइक करके इंक्रेज कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक करने से हमें बहुत हिम्मत और इंक्रेजमेंट उत्साह मिलती है, जिससे आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का हिम्मत मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।